नेरचौक मेडिकल कॉलेज में तैनात मेडिसिन डिपार्टमेंट के एमडी डॉक्टर रोशनलाल ठाकुर का 50 दिन बाद घर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि डॉक्टर रोशनलाल ठाकुर प्रदेश भर में लॉकडाउन लगते ही नेरचौक मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। कॉलेज प्रशासन द्वारा दी गई जिम्मेदारी को बखूबी निभाने के बाद डॉक्टर रोशन सरकार द्वारा रिजर्व किए गए होटल में 2 सप्ताह का क्वारंटाइन पीरियड बिताकर स्वस्थ घर लौटे हैं। घर पहुंचते ही उनके परिजनों सहित गांव के समस्त लोगों ने उनका आरती उतारकर और फूल बरसाकर भव्य स्वागत करने के बाद उन्हें सम्मानित भी किया। डॉक्टर रोशन ने कहा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों को सरकार व प्रशासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करना होगा। लोग फेस मास्क का प्रयोग करने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का अवश्य ध्यान रखें। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए गोहर से रमेश शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी का सामना करने में जयराम सरकार सफल हुई है। समस्या की इस विकट घड़ी के दौरान जनहित के प्रति निर्णय लेकर के सरकार ने प्रदेशवासियों को बहुत राहत पहुंचाई है, जिसके लिए मैं जयराम सरकार जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। जयराम सरकार ने डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, पुरुष कर्मचारियों को कोरोना के दौरान हुई मृत्यु परिवारों के लिए जो है 50 लाख रुपए की घोषणा जो की है वो बहुत स्वागत योग्य है। और प्रदेश में जो हमारे वृद्धजन है और अपंग बहने अपंग लोग हैं, जो विधवा बहने हैं, उनके लिए स्पेशल उनके खाते में 3 मास के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन वो जमा करवाई है, जिसके लिए 6 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और इसके लिए 1,20,000 महिलाओं के लिए जो है पात्र व्यक्तियों के लिए उसका जो लाभ हुआ है। उज्ज्वला योजना के तहत भी पात्र व्यक्तियों के लिए जो है ये गैस दी जा चुकी है और जिसमें 3 लाख परिवारों को ये लाभ हुआ है। और प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत भी 6,12,000 प्रदेश की बहनों के खाते में सीधा पैसा 500 रुपये प्रति जो है मास वो जमा हुआ है, 3 महीने के लिए हुआ है। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत 2,000 रुपये सीधा किसानों के खाते में जमा किया है। और संकट की इस घड़ी में जो जयराम सरकार ने जनहित के जो निर्णय लिए हैं, इसके लिए हम माननीय जयराम सरकार का धन्यवाद करते हैं कि हिमाचल प्रदेश जल्द ही कोरोना मुक्त होने वाला है, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।